इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। चर्चा करेंगे बड़ी खबरों पर। तो बड़ी खबर जो निकल करके आ रही है वो ये है कि केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून बनाए थे उनको बाईपास करने के लिए आज राज्य विधानसभा में 3 बिल पास हो गए हैं। यानी उन बिलों में जो संशोधन करके और यहाँ पर उनको बाईपास करने के लिए जो राज्य सरकार बिल लेकर के आ रही थी, सोनिया गांधी ने सभी कांग्रेस शासित राज्यों को निर्देश दिए थे कि वो अपने राज्यों में इस तरह के बिल पास करें। पहले पंजाब ने पास किए तो आज राजस्थान सरकार ने भी वो बिल पास कर दिए हैं। उन बिलों में खास तौर से प्रावधान वही रखे गए हैं जो पंजाब सरकार ने रखे थे। यानी यहाँ पर भी MSP को खास तौर से एक बड़ा मुद्दा बनाया गया इन बिलों में। उसके अंदर साफ तौर से कहा गया कि जो MSP से कम पे खरीद करेगा उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी। 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। दिन भर विधानसभा में इस मामले को लेकर के बहस हुई। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने अधिकतर केंद्र सरकार ने जो कानून पास किए थे उनका पक्ष रखा और साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार जो बिल लेकर के आई है ये संवैधानिक नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार जब पहले इस मुद्दे को लेकर के बिल पास कर चुकी है तो अब राज्य सरकार को इन बिलों को पास करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन राज्य सरकार ने वो सारे प्रावधान बताए, कानूनी पहलू भी गिनाए, संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उनको रखा, जिसके ऊपर पहले गुलाबचंद कटारिया ने सारा मुद्दा रखा, नेता प्रतिपक्ष हैं, उसके बाद में राज्य सरकार की ओर से इस मामले को लेकर के शांति धारीवाल ने अपना जवाब पेश किया। उसके अंदर तमाम वो तार्किक कारण बताए जिसके आधार पर वो ये बिल लेकर के आए हैं और बिल के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं वो भी बताए। मैंने आपको बताया मोटा मोटा कि जो MSP है उसको एक खास तौर से मुद्दा बनाया गया है और राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि किसानों के हितों के लिए ये बिल लाए गए हैं, संशोधन जो विधेयक पेश किए गए हैं, जो बिल का रूप ले लिए गए हैं उनको पास किया गया है आज विधानसभा से। तो इसके ऊपर सारे कानूनी पहलू देख करके और ये बिल पास करवाए गए हैं आज राजस्थान विधानसभा से। अब ये बिल जाएंगे राज्यपाल के पास में, उनके हस्ताक्षर होंगे कलराज मिश्र के, उसके बाद में कानूनी अमली जामा तब पहनेंगे जब दिल्ली में राष्ट्रपति जो हैं इसके ऊपर दस्तखत कर देंगे। तो यानी कि अभी बड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन राज्य सरकार ने जो सोनिया गांधी की ओर से जो निर्देश दिए गए थे कांग्रेस शासित राज्यों के उसके तहत ये तीनों बिल आज पास कर दिए हैं। एक तो बड़ा मुद्दा ये रहा। दूसरा, राजस्थान वो पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर मास्क की अनिवार्यता यानी मास्क को अब कंपलसरी कर दिया गया है। पहला राज्य होगा देश का जिसने कानून बना दिया है कि मास्क पहनना यहां के राज्य के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा और वो जरूरी कर दिया गया। जो नहीं पहनेगा उसके खिलाफ में राज्य सरकार कार्रवाई कर सकेगी। एक बड़ा फैसला राज्य सरकार ने लिया है इस COVID-19 को रोकने के लिए। सीधे तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं, अब इसके अंदर एजेंसी सीधे तौर पर काम करेगी। सरकारी जो पहनेगा नहीं मास्क उसके खिलाफ में कार्रवाई की जा सकेगी। ये तमाम जो बड़े मुद्दे थे आज राजस्थान विधानसभा के अंदर उठाए गए और उसके बाद में ये बिल पास हो चुके हैं। अब जो बड़ा मुद्दा बचा है वो ये है कि नगर निगम के चुनाव, जो चुनाव हो चुके थे नगर निगम के 6 निकायों के, उनके परिणाम कल सुबह आएंगे। यानी कि 9 बजे काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद में जयपुर के 2 हेरिटेज और ग्रेटर, इसके अलावा कोटा के और जोधपुर के 2 निकायों के परिणाम कल सुबह 9 बजे से इनकी मतगणना शुरू होगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जयपुर, जोधपुर और कोटा तीनों जगह तैयारियां हो गई है। उनके जो प्रत्याशी थे उनके भाग्य का फैसला होगा। इधर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की जो बाड़ेबंदी है वो भी शुरू कर दी है। तमाम मुद्दे जो आज के थे, बड़ी खबरें ये थी जिनके ऊपर चर्चा की गई। और इसके अलावा जो एक बड़ा मुद्दा निकल कर के आ रहा है वो ये था कि ATS ने कार्रवाई करी है जिसके अंदर जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्र से 2 संदिग्धों को पकड़ा है। ये तमाम मुद्दे थे। एक बड़ा मुद्दा जिसके ऊपर चर्चा करेंगे वो था गुर्जर आरक्षण आंदोलन। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर के पीलू का पुरा में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और उनके पुत्र विजय बैसला के नेतृत्व में गुर्जर समाज के लोग पटरियों पर बैठे हुए हैं। उन्होंने पटरियां जो फिश प्लेट होती है वो उखाड़ दी है, जिसके चलते दिल्ली मुंबई ट्रैक है वो बाधित है। इसके अलावा आज 2-3 जगह पंचायतें और हुई है गुर्जर समाज की, जिसके अंदर गुर्जरों ने नसीराबाद में एक पंचायत करी, जिसके बाद में वहाँ NH-8 को सांकेतिक रूप से एक बार जाम किया गया। इसी तरीके से खेतड़ी के सिंघाना में एक पंचायत हुई, वहाँ पर भी जाम लगाने की और प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। अभी सांकेतिक हुए हैं लेकिन पीलू का पुरा में अभी भी गुर्जर समाज के लोग डटे हुए हैं। अब इसका हल क्या होगा इसको लेकर के आज राज्य विधानसभा में डॉक्टर रघु शर्मा, जो कैबिनेट सब कमेटी के मेंबर भी हैं, जो गुर्जरों से जिन्होंने वार्ता की है, वो तमाम पहलू रखे विधानसभा में। और विधानसभा के अंदर खुद अध्यक्ष ने और सभी सदस्यों ने ये अपील भी करी है कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और विजय बैसला से कि सरकार के द्वार वार्ता के लिए खुले हुए हैं, वो कभी भी आकर के बातचीत कर सकते हैं। तो अब बातचीत करने के लिए जो है
राज्य सरकार की ओर से एक बार मंत्री हो आए हैं अशोक चांदना, लेकिन अभी वार्ता नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि कल गुर्जर समाज के जिस प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार के साथ में बैठ करके 14 बिंदुओं पर अपनी सहमति जताई थी, उनकी आज नेहरा गांव में एक पंचायत हुई और वो 80 से 82 गांव के पंच पटेल हैं। वो कल कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के सामने वो तमाम पहलू लेकर के जाएंगे जो राज्य सरकार ने जिन पर अपनी सहमति दी है, दोनों पक्षों के बीच में जो समझौता हुआ है उसको लेकर के कल वो पीलूगापुरा में पटरियों पर पहुंचेंगे। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और उनके पुत्र के सामने सारी बातचीत रखेंगे। उसमें भी अगर कहीं कोई बात छूट गई है तो उस बात को लेकर के वो राज्य सरकार के पास में आकर के इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। तमाम ये बड़ी खबरें थी जिनके ऊपर चर्चा करी। इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर तमाम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आपको केवल जो बेल आइकॉन है उसको आप टच करेंगे तो अपडेट्स आप तक पहुँचते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद।